नमस्कार मित्रों, मैं सुमन प्रकाश आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृत वर्ल्ड में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही होगा कि हमारा निरुक्त का अध्ययन चला हुआ है, तो उसमें से यह हमारा तीसरा भाग है। पिछले भाग में हमने जाना कि निघंटु में तीन प्रकार के शब्द बताए गए हैं, पर्याय शब्द, अनेकार्थक शब्द और दैवत शब्द। तो इनको याद करने के लिए मैंने आपको एक बहुत ही सरल उपाय बताया था कि जैसे आप अपने बचपन में सबसे पहले प्राय शब्द को सीखते हैं, फिर उसके पश्चात आपके ज्ञान में वृद्धि होती है तो आप अनेकार्थक शब्द सीखते हैं, फिर उसके बाद आपको दैवत की प्राप्ति होती है। इस प्रकार आप तीनों प्रकार के शब्दों को जान सकते हैं। और इसके अतिरिक्त हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी जाने जिसको कि आप पिछले भाग में देख सकते हैं। आज के इस व्याख्यान में हम निघंटु और निरुक्त के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम अपने पाठ्यक्रम को जान लेते हैं, उससे दोस्ती कर लेते हैं। तो चलिए जल्दी से पाठ्यक्रम को देखते हैं। पाठ्यक्रम में हमें निरुक्त का अध्याय 1 और 2 लगा है, 4 पाठ लगे हैं, नाम आख्यात, उपसर्ग, निपात। निरुक्त अध्ययन के प्रयोजन, निर्वचन के सिद्धांत, निम्नलिखित शब्दों की व्युत्पत्तियाँ, निरुक्त का 7वां अध्याय, वैदिक स्वर और वैदिक व्याख्या पद्धति। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्यास जी यहाँ पे कहते हैं, स्मामना यह स्मामनातः स व्याख्यातव्यः। अब इनको शब्दशः हम जान लेते हैं। स्मामना यह यानी गवादि देवपत्नी अंत, यानी गो शब्द से लेकर देवपत्नी तक। स्मामनातः पुरातन ऋषियों ने निघंटु नामक ग्रंथ में इन शब्दों को एकत्रित किया। स व्याख्यातव्यः, अब उनकी व्याख्या करते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, स्मामनायः यानी गवादि देवपत्नी अंत, गो शब्द से लेकर देव पत्नी तक, यानी कि निघंटु ग्रंथ में गो शब्द से लेकर देव पत्नी शब्द तक इनके अंतर्गत जितने भी शब्द आते हैं। निघंटु जो है एक वैदिक शब्द कोश है, जैसा कि मैंने आपको अपने पुराने व्याख्यानों में बता दिया है। तो इन शब्दों के अंतर्गत जितने भी शब्द आते हैं उनको एक ग्रंथ में एकत्रित किया गया है। व्याख्यातव्य, अब उसकी विशेष व्याख्या करनी है। अर्थात यहाँ इस शास्त्र में ये नाम है, ये आख्यात है, ये उपसर्ग है, ये निपात है, यह सामान्य लक्षण है, ये विशेष लक्षण है, ये एकार्थक है, ये अनेकार्थक है। इस क्रम से उनकी सबकी विशेष व्याख्या करनी है। तो चलिए देखते हैं। तमिमं स्मामनायं निघंटुः इत्याचक्षते। अब इनको शब्द से हम जान लेते हैं। तमिमं यानी उस, इमं यानी इस, स्मामनायं वैदिक शब्द कोश को निघंटुः इति, निघंटु इस नाम से आचक्षते कहते हैं। अर्थात उस ग्रंथ में जो गो शब्द से लेकर देव पत्नी शब्द, इनके अंतर्गत जितने भी शब्द आते हैं उन शब्दों के वैदिक शब्द कोश का नाम जो है वह निघंटु है। निघंटु स्माख्याधिकरणम्, निघंटुः कस्मात्, निगमे इमा भवन्ति। बोलते हैं कि वे शब्द निघंटु क्यों कहे जाते हैं, तो इसके उत्तर में कहते हैं कि ये शब्द निश्चय से मंत्रों के अर्थों का बोध कराने वाले होते हैं, अतः इनका नाम निघंटु पड़ा। इनके अंतर्गत जितने भी शब्द आते हैं ये मंत्रों के अर्थों का हमें ज्ञान कराते हैं। हमें इन सभी व्याख्यानों को एक दूसरे से जोड़कर चलना होगा, तभी हमें अच्छे से समझ आएगा, नहीं तो हम इनके अर्थों को नहीं जान पाएंगे। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि
निघंटु एक वैदिक शब्दकोश है और उस शब्दकोश में वैदिक जो मंत्रों हैं उन मंत्रों के शब्दों के अर्थों का हमें अर्थों के बारे में हमें बताया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि ये जो शब्द हैं अर्थात गो शब्द से लेकर देव पत्नी पर्यंत जितने भी शब्द आते हैं वे सभी शब्द मंत्रों के अर्थों का बोध कराने वाले होते हैं, यानी कि मंत्रों के अर्थों का हमें ज्ञान कराने वाले होते हैं, जिसके कारण इनका नाम निघंटु पड़ा। अब यहाँ पर कहते हैं कि ते निगंत्वा एव संतो निगमना निघंटवा उच्चंत इत्यौपमन्यवः। अभी इसके अर्थ को जान लेते हैं। ते यानी वे यानी जो शब्द कहे गए हैं वे शब्द निगमनात् निश्चय पूर्वक मंत्रों के अर्थ का ज्ञान कराने के कारण निगंत्वा एव संतः निगंतु ही होते हैं, अर्थात निगंतु ही कहलाते हैं। निघंटवा उच्चन्ते निघंटु, जिसके कारण वे निघंटु कहलाने लगे। इत्यौपमन्यवः इति औपमन्यवः, ऐसा उपमन्यु के पुत्र औपमन्यु आचार्य का मत है। आपको ये पंक्ति देकर पूछ सकता है कि यह किसका मत है, तो आपको यहाँ पे औपमन्यु चुनना है। तो इसके अर्थ को हम जान लेते हैं कि वे यानी जो ऊपर हमें शब्द बताए गए हैं गो शब्द से लेकर देव पत्नी पर्यंत जितने भी शब्द हैं वे निश्चय से मंत्रों के अर्थों का बोध हमें कराते हैं, जिसके कारण वह निगंतु ही कहलाते हैं, अर्थात निघंटु कहलाने लगे। ऐसा औपमन्यु आचार्य का मत है। निगंतु से हमें यहाँ पर जानना है कि नी यानी निश्चय से गंतु यानी मंत्रार्थ का बोध कराने वाले, यानी निश्चय से ही वे शब्द हमें मंत्रों के अर्थों का बोध कराते हैं, इस कारण निगंतु भी निघंटु कहलाता है, इसका यह अर्थ हुआ। अब चार पद जातियाँ हमें यहाँ बताई गई हैं, नाम आख्यात उपसर्ग और निपात। इन चारों के बारे में हम लक्षण सहित जान लेते हैं और आपको इन सभी का लक्षण याद करना है। तो पदचतुष्टयोद्देश कथनम, पदचतुष्टय के विषय में अब कहते हैं, तद यान्ये तानि चत्वारि पदजातानि। बोलता है कि तद यानी वह निघंटु संज्ञक क्या है, तो यान्ये तानि जो ये चत्वारि पदजातानि, लोक और वेद में चार पदजातियाँ यानी शब्दों के भेद हैं, वे कौन कौन से हैं। इस पहली पंक्ति का ये अर्थ हुआ। तो वह निघंटु संज्ञक क्या है, तो इसके विषय में कहते हैं कि नामाख्याते च उपसर्ग निपाताश्च। नाम आख्यात उपसर्ग निपात ये चार पदजातियाँ हैं, तानि इमानी और ये ही निघंटु संज्ञक कहलाती हैं। सारा शब्द समूह इन्हीं चारों शब्द भेदों के अंतर्गत आता है और इस शब्द समूह का ही नाम निघंटु है। जो ये चार प्रकार के शब्द हैं वे लोक और वेद में ही प्रयोग होते हैं, यानी कि लोक से आप सभी लोक ले सकते हैं और वेद में भी चार पदजातियाँ प्रयोग होती हैं। नाम आख्यात उपसर्ग और निपात इनका प्रयोग लोक और वेद में होता है। सारा शब्द समूह जो है वो इन्हीं शब्द भेदों के अंतर्गत आता है और इसी शब्द समूह का नाम निघंटु कहलाता है। अब यहाँ पर ग्रंथकार हमें क्रमशः क्रम से सबका लक्षण बताते हैं और उदाहरण भी देते हैं। तो नाम के विषय में कहते हैं कि सत्व प्रधानानि नामानि, यानी कि सत्व द्रव्य प्रधान है जिसमें वे नाम कहलाते हैं। सत्व से क्या तात्पर्य है, सत्व यानी कि लिंग संख्या वचनादि, यानी कि जिसमें
लिंग संख्या वचन आदि जिसका अनुसरण करें, ऐसा सत्व द्रव्य प्रधान हो और क्रिया गौण हो वह नाम कहलाता है। उदाहरण के लिए पुरुष रमा धनम आदः। तो नाम के लक्षण में हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक तो सत्व प्रधान होता है और क्रिया गौण होती है, और सत्व के अंतर्गत लिंग संख्या और वचन आते हैं। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि सत्व प्रधानानि डैश नाम आख्यात उपसर्ग निपात, तो वहाँ पे आपको नाम जुड़ना है। अब आख्यात का लक्षण देख लेते हैं। आख्यात के विषय में कहते हैं कि भाव प्रधानम आख्यातम। भाव का अर्थ यहाँ पर लेंगे क्रिया, यानी कि क्रिया मुख्य है जिसमें वह आख्यात कहलाता है। अर्थात जहाँ क्रिया प्रधान हो और कारक आदि गौण हो वे आख्यात कहलाते हैं। यहाँ पर हमें आख्यात के लक्षण में यह ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्रिया मुख्य होती है और कारक गौण होते हैं। अब क्रिया के अंतर्गत यानी आख्यात के अंतर्गत भाव काल कारक संख्या, ये जो चार अर्थ होते हैं ये आख्यात के कहलाते हैं। अब इनका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण यानी पचती भुंकते भवती आदि। आख्यात के विषय में आपसे पूछा जाएगा कि भाव प्रधानम डैश नाम आख्यात उपसर्ग निपात, तो आपको वहाँ पे आख्यात चुनना है। इसमें दो मुख्य बिंदु हैं जिनको याद रखना है। एक यहाँ पे क्रिया मुख्य होती है और कारक गौण होता है, और आख्यात के अंतर्गत भाव काल कारक और संख्या, ये चार आते हैं। अब यहाँ पर दोनों के विषय में नाम और आख्यात के विषय में बताते हैं कि तद यत्रो भे भाव प्रधाने भावतः। अब इनका शब्द सा अर्थ देख लेते हैं। तद यत्र यानी और जहाँ, उभे भावतः यानी कि नाम और आख्यात, जहाँ नाम और आख्यात दोनों होते हैं वहाँ पर भाव प्रधाने भावतः, वहाँ पर क्रिया ही प्रधान होती है। अब यहाँ पर मैंने आपको आख्यात के अंतर्गत चार शब्द बताए कि आख्यात के अंतर्गत चार शब्द आते हैं, तो भाव काल कारक संख्या, यदि आपको ये चार शब्द ज्ञात नहीं होंगे तो आप यहाँ पर भाव का अर्थ नहीं पहचान सकते कि भाव नाम अर्थ में प्रयोग हुआ है या क्रिया अर्थ में। तो यहाँ पर आपको ये चारों शब्द भी याद कर लेने हैं कि यह आख्यात के अंतर्गत आते हैं। तो अब यहाँ पर कहते हैं कि जहाँ पर नाम और आख्यात दोनों होते हैं, जैसे देवदत्ता पचती, देवदत्ता यानी नाम और पचती यानी काता है, यहाँ पर नाम और आख्यात दोनों है तो यहाँ पर भाव यानी क्रिया ही प्रधान होती है। वाक्य में क्रिया ही प्रधान होती है। नाम तो उस क्रिया के अंतर्गत आता है, उसका अंगभूत है। नाम जो है उस क्रिया के संपादनार्थ है। की तो क्रिया जाती है, इसलिए स्वभावतः वही मुख्य ठहरी। यहाँ पर हम एक उदाहरण ले लेते हैं जिससे कि आपको और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको कोई काम करना है, तो आप उस काम को करने के लिए प्रवृत्त होंगे, उस काम को करेंगे। ऐसा तो नहीं कि कहीं वह काम आपके पास आएगा और बोलेगा कि आप मुझे करिए, नहीं, आप उस क्रिया के पास जाएंगे। नाम जो है वह क्रिया के पास जाएगा, क्योंकि नाम को उस क्रिया की आवश्यकता है। आपको किसी काम की आवश्यकता है कि जैसे आपको भूख लगी है तो आप खाने की क्रिया करेंगे जिसके कारण आपका पेट भरेगा। जैसे आपको पढ़ना है तो आप पढ़ने की क्रिया करेंगे। जैसे आपको खेलना है तो आप खेलने की क्रिया करेंगे। आप उस क्रिया को करेंगे,
ना कि वह क्रिया आपको करेगी। संभवतः आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब यहाँ पर औदुम्बरायण का मत है कि इंद्रियम नित्यम वचनम औदुम्बरायण तत्र चतुष्टवम नोपपद्यते। इसका अर्थ जान लेते हैं हम। वचनम यानी नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, यह जितना भी शब्द समूह है। इंद्रिय नित्यम, वह वाग इंद्रिय में नियत है। तत्र यानी उसमें, चतुष्टवम न उपपद्यते, उसमें चार भेद नहीं बन सकते, ऐसा औदुम्बरायण आचार्य का मत है। यहाँ पर कहते हैं कि नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, यह जितना भी शब्द समूह है यह इंद्रिय में नियत है, यानी कि इंद्रिय में समाहित है। आप शब्दों का उच्चारण इंद्रिय से ही करेंगे, वह भी कौन सी इंद्रिय से? वाक इंद्रिय से। ये तो नहीं कि आप चक्षु से शब्दों का उच्चारण करेंगे, या श्रोत्र से करेंगे, या घ्राण से करेंगे। तो इन शब्दों का जो उच्चारण आप करेंगे वह अपनी वाणी से करेंगे। तो यहाँ पर कहते हैं कि नामाख्यात, उपसर्ग और निपात, ये सभी शब्द समूह जो है वह वागात्मक इंद्रिय में नियत है, यानी उसमें समाहित है, उससे संबंधित है। उच्चारण करने के पश्चात वह नष्ट हो जाता है। अब इसको समझ लेते हैं कि जैसे मान लो आपने कोई शब्द का उच्चारण कर दिया, जैसे कि राम खाता है, राम सोता है, तो उच्चारण के पश्चात ही वह नष्ट हो जाता है। ऐसा तो नहीं कि आपने आपने बोला कि राम खाता है तो आपके बोलने के साथ ही राम खाता है यह वाक्य नष्ट हो गया, यानी कि इस दुनिया से खत्म हो गया, कि आपने बोल दिया राम खाता है तो यह वाक्य दुनिया से मिट गया। नहीं, यह वाक्य इस दुनिया से नहीं मिटेगा, वह उच्चारण के पश्चात नष्ट हो जाएगा। कोई और अन्य व्यक्ति बोलेगा कि राम खाता है, फिर कोई और बोलेगा कि राम खाता है, यह उच्चारण के पश्चात नष्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि यह हमेशा के लिए ही नष्ट हो जाएगा। तो अतः उसमें चार भेद नहीं बन सकते। तो कहते हैं कि उसमें चार भेद नहीं बनते हैं, ऐसा औदुम्बरायण आचार्य का मत है। तो इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि शब्द नित्यत्व वादिनः, यास्क जी कहते हैं कि शब्द नित्य है। तो उसके लिए लक्षण बताते हैं, व्याप्तिमत्वात् तु शब्दस्य। तू यहाँ पर पूर्व पक्ष का निराकरण करता है, या तू से हमें जो औदुम्बराचार्य ने कहा वह हमें यहाँ पर ग्रहण करना है। शब्दस्य यानी शब्द के व्याप्तिमत्वात्, यानी कि व्याप्तिमान अर्थात नित्य होने से उपर्युक्त सब दोष नहीं रहते। कहने का तात्पर्य यह है कि वस्तुतः शब्द तो नित्य है, उच्चारण क्रिया से वह केवल प्रकट होता है। यह उच्चारण क्रिया ही उत्पन्न और नष्ट होती है। शब्द ना तो उत्पन्न होता है और न विनष्ट होता है। अतः जो औदुम्बरायण आचार्य का मत है वह निराधार है। यहाँ पर यास्क जी कहते हैं कि शब्द जो है वह नित्य है, उच्चारण क्रिया से वह प्रकट होता है। जैसे आप कोई शब्द बोलोगे राम खाता है, तो इससे इस उच्चारण क्रिया से यह प्रकट हो रहा है कि राम खाता है। जैसे कि राम पढ़ता है, तो इससे प्रकट हो रहा है कि राम पढ़ रहा है। यह उच्चारण क्रिया जो है यह उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। शब्द जो है वह नित्य है, शब्द न उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है। यह उच्चारण क्रिया उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। तो इस प्रकार यास्क जी इसका समाधान करते हैं। तो यहाँ पर आपको यह लक्षण जरूर याद रखना है कि यह व्याप्तिमत्वात् शब्दस्य, यह लक्षण किसका है? तो यह लक्षण यास्क का है। और इंद्रियम नित्यम वचनम डैश डैश, यह किसका लक्षण है? तो यह औदुम्बरायण आचार्य का लक्षण है। यह दोनों परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो
आज के व्याख्यान में इतना ही। आख्यात के 6 भेद और होंगे, तो उनको मैं आपको अगले भाग में करवा दूंगा। आज यदि उनको करवा देता तो यह व्याख्यान बहुत लंबा हो जाता। तो आज के व्याख्यान में बस इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। और आप यदि हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ से आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।